नमस्कार दोस्तों। तो साल 2019 में आई फिल्म वॉर के बाद से ऋतिक रोशन की नेक्स्ट मूवी का इंतजार कर रहे फैंस का इंतजार अब खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, कल ऋतिक रोशन की एक और बड़ी फिल्म फाइटर का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। कल है ऋतिक रोशन का बर्थडे और इसी मौके पर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ये पहली बार होगा जब ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण हमें बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जो ऋतिक रोशन के साथ इससे पहले वॉर और बैंग बैंग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि फाइटर जेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिरी में शुरू की जाएगी, जबकि इस फिल्म को 2022 यानी कि अगले साल रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन हमें एक एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दीपिका पादुकोण इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन के साथ जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों बात करें ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म की, तो ऋतिक रोशन हमें आखिरी बार साल 2019 में आई उनकी फिल्म वॉर में नजर आए थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी थी। वहीं बात करें दीपिका पादुकोण की लास्ट फिल्म की, तो दीपिका पादुकोण हमें पिछले साल यानी कि 2020 में उनकी फिल्म छपाक में नजर आई थी, जो कि बॉयकॉट किए जाने की वजह से एक फ्लॉप फिल्म बॉक्स ऑफिस पे साबित हुई थी। वहीं अब ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण हमें साथ में पहली बार नजर आएंगे, इसे लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल ऋतिक रोशन के बर्थडे यानी कि 10 जनवरी को रविवार के दिन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको देते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी सारी तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स।